दार्जीलिङ पहाड़का विभिन्न पार्टी समर्थकहरूले आज सिलगढ़ी चम्पासरीमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा दार्जीलिङ सांसद साथै भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टको विशेष उपस्थितिमा भारतीय जनता पार्टीमा समर्थन जनाएको छ। बीपी बजगाई, सरोज थापा, सुजेन्द्र राई, सुमन प्रधान, अर्जुन छेत्री, प्रमोद शर्मा जस्ता डायनामिक व्यक्तित्व साथै अन्य पार्टी समर्थकहरूले पुरानो पार्टी त्यागेर सांसद तथा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टको बाहुलीबाट झण्डा थापेर भारतीय जनता पार्टीमा सामेल भएका छन्। राज्यमा तृणमूल कंग्रेस अनि यस पार्टीसँग संलग्न अन्य हातहरूको दबाव अनि अत्याचारदेखि उन्मुक्त रहनुपर्छ भनी सभालाई सम्बोधन गर्दै सांसद विष्टले समर्थकहरूलाई आफ्नो पार्टीमा स्वागत जनाएका छन्। 3 लाख रुपया महीना, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 लाख रुपया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सफाई के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता आज तक किसी को नहीं पता, ये वास्तविकता है। और जब मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ के जो अफसर हैं उनको भी प्रोटोकॉल की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई मंत्री अगर आपके अस्पताल में आए, खड़े होकर उनको रिसीव करना चाहिए। अगर आप उनको अपने कमरे में बुला करके भाषण देना चाहोगे तो हर कोई उसको नहीं सह सकता। लगातार अपने अपने भाषणों में कह रहे हैं कि राजू बिस्टा को एमपी बनाने वाला मैं हूँ, चट्टान में फूल खिलाने वाला मैं हूँ, अगर राजू बिस्टा को आगे कुछ करना है तो मुझसे परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी मन से भी यही बात बता रहा था। कई बार लोगों को भ्रम हो जाती है और कई बार लोग जो है अपने आप को ही सब कुछ ठान लेते हैं। सो ये जो अहंकार है, मुझे लगता है ये किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। बनाने वाला भगवान है, ऊपर वाला है, और कोई नहीं बनाता। एक बात, दूसरी बात, जैसे मैंने मन से बताया, ये बात जरूर है कि मैं राजनीति में हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण बिमल गुरुंग जी हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे सही रास्ता दिखा के खुद गलत रास्ता चुनो। आज मैं पांडव के साथ हूँ तो आप कौरवों के साथ हो। अगर आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आप स्वयं जो है गलत रास्ते पे हो। जनता का जवाब आपको देना है, मुझे नहीं, क्योंकि जिस वादों को लेकर के, जिस मैनिफेस्टो को लेकर के, जिन सपनों को लेकर मैं चला हूँ, 1.5 साल पूरा हुआ है, मैं अभी तक उसमें चल रहा हूँ और आगे आने वाले 3.5 साल भी उसमें जो है अडिग रहूंगा, ये मेरा आपके माध्यम से जनता को वादा है। रही बात डंपिंग ग्राउंड को लेके, क्या मामला गरमाया नॉर्थ यहाँ पे मिलन मोड़ में डंपिंग ग्राउंड जो बन रहा है, मैंने डीएम को भी कई बार उसके बारे में पत्राचार किया, ये गलत है। मिलन मोड़ की चंपासरी की जनता के ऊपर में अत्याचार है। अगर आज यहाँ की सरकार उस डंपिंग ग्राउंड को बनाती भी है, 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। अंतिम प्रश्न, 11 गोर्खा जनजाति में शायद तपाईले विधानसभा चुनाव अगाडि शायद तपाईले भन्नुभयो कि यो साच्चै नै भाजपाको एउटा उयो मात्रै हुन्छ, भोट बैंक मात्रै हुन्छ गोर्खाहरु। देखिए भैया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, शायद बोल्नुभयो तपाईले, सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, नेपाली अगर गोरखाओं के लिए कोई भारत में कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी। आज एक बात सुनिए, आज जो गोरखाओं की अवस्था है, क्या पिछले 6 साल से है या पिछले 72 साल से है? कांग्रेस ने कभी नहीं किया, हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा। सीपीएम ने कुछ नहीं किया, हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा। 86 के अंदर में सीपीएम ने 1200 से ज़्यादा हमारे लोग मारे। अभी टीएमसी ने 2019 में हाल ही में 13 लोग हमारे शहीद हुए, तब तो हमने प्रश्न नहीं किया। और आज हम चले मोदी जी को प्रश्न करने, हम इतने बड़े चौड़े हो गए, हमको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, हमारे कोई भी मंत्री हो, बार बार ये कहते हैं हम गोरखाओं के साथ है। जिस दिन होगा, आज जो प्रश्न करने वाले हैं उनको शकल छुपाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। के मुद्दे के लिए आए हुए जो मुद्दा अलग राज्य का है, उसको हमने शुरू से ही लेके आगे चले, तो इस बात के लिए ही हमने विमल जी का समर्थन किया था। लेकिन 1.5 महीने पहले जब उन्होंने ममता बनर्जी के साथ हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अगला मुख्यमंत्री बनाना है, इसका साफ मतलब यह है
कि उन्होंने उस व्यक्ति से, उस संगठन से नाता जोड़ लिया है जिन्होंने गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर, अलग राज्य के मुद्दे को लेकर हर समय उसका ओपोजिशन किया है। हर समय उन्होंने कहा है कि तो हमको लगा कि विमल जी ने सीधा जो है यो दार्जिलिंग पहाड़ का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है, उस मुद्दा को उन्होंने पेश किया, उस मुद्दा को उन्होंने छोड़ दिया और ममता बनर्जी ने हमने उनका साथ छोड़ दिया। बीजेपी का हाथ हम इसलिए पकड़ा है क्योंकि बीजेपी हर समय छोटे राज्य के पक्षों में है। बीजेपी ने कहा है कि गोरखा मुद्दा है 11 जनजाति का, उस मुद्दे को भी वो बहुत जल्द सुलझाने की चेष्टा करेंगे। पहाड़ में आके बीमोल जी ने बीजेपी ने विश्वासघात किया, आपका क्या देखिए, जनता तो कोई मूर्ख नहीं है। जो उन्होंने बीजेपी के साथ नाता जोड़ा है वो 2019 में, अगर हर एक इलेक्शन का देखा जाए 2019 में जोड़ा है तो वो नाता तो 2024 तक होना चाहिए, लेकिन 20 में इसलिए छोड़ा क्योंकि 2021 का चुनाव आ रहा है और जो दूसरा गोरखा जन्मभूमि योजना जो बना था, जो विनय ग्रुप कहते हैं, उनको लगा कि उनका सर्वाइवल का प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, तो उन्होंने जाके हाथ के लिए संबोधन, ये तो जाहिर है आप जैसे कह रहे हैं वैसे ही लोगों की धारणा भी है। जनता और वोटर जो है वो पता ही नहीं क्या हो रहा है।